स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज है। करीब एक घंटे बाद हरियाणा में मतदान शुरू हो जाएगा। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो ठीक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 1031 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मतदाता करने वाले हैं, तो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, वो वक्त बिल्कुल अब करीब आ गया है जिस पल का हमें बेहद बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज वोटिंग डे है। तमाम सियासी दलों ने तैयारियां की, लोगों के बीच में गए, लेकिन अब बारी है जनता की। तो किस्मत का जो फैसला है वो अब सिर्फ और सिर्फ मतदाता ही करने वाले हैं। आज वोटिंग का दिन है, 5 अक्टूबर का दिन, सबसे ज्यादा अहम दिन। तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास के बूथ पर जाइए और वोट कीजिए। हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप अपने मत का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से करिए और सही व्यक्ति को वोट दीजिए। तो शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े बंदोबस्त जो है हालांकि कर दिए गए हैं, और जिस तरह से जो मुकाबला किस किस में कड़ा दिखाई दे रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज है। धाकड़ मुकाबला किस किस के बीच में है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो देखिए, तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ अब मतदाता करने वाले हैं। तमाम सियासी जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम दिग्गज लोगों के बीच में गई, जनता के बीच में गई, जनसभाएं की गई, वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अब बारी है वोट डालने की। अब बारी है जनता की, जनता अब सही फैसला लेने वाली है। तो 1 घंटे बाद हरियाणा में जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग की अगर हम बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें तो तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। इससे पहले भी लगातार हम देख रहे थे, तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे थे, बूथ के आसपास भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और अभी फिलहाल मुकाबला जो है तमाम पार्टियों में भी जिस तरह से नजर आ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे अन्य दलों की बात कर ली जाए, तो मुकाबला जो है वो यहां पर कड़ा भी नजर आ रहा है। और कौन कौन से प्रत्याशी मजबूत नजर आ रहे हैं इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मेरी सहयोगी और हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज है, 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा, हालांकि तमाम सियासी दल, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन अब बारी है वोटिंग की। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लगातार हमने देखा बीते दिनों किस तरीके से जमकर कैंपेनिंग सभी पार्टियों के द्वारा की गई थी। हालांकि आज किनकी नीतियों पर जनता फैसला ले प्रभावित है, जनता ये तमाम चीजों का फैसला आज होने वाला है। तभी से करीब हम कह सकते हैं कि 1 घंटे से भी कम समय अब बचा है जब वोटिंग शुरू होने वाली है, जिसके बाद शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। वही देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कितने वोटर्स हैं, तो कुल प्रदेश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा पुरुष हैं, वही 1 करोड़ से थोड़ा कम यानी करीब हम 95 लाख कह सकते हैं कि महिला मतदाता है। इसके अलावा अगर हम उम्मीदवारों की बात करते हैं तो 90 विधानसभा सीटों में कुल उम्मीदवार 1031 चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें से करीब 930 पुरुष हैं, वही 101 महिला उम्मीदवार शामिल है। इसके अलावा निर्दलियों की बात करते हैं तो 462 निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसमें 2 पुरुष है और महिला 41 है। इसके अलावा देखिए, अगर हम पार्टियों की बात करते हैं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, एसी सीटों, सभी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। चाहे हम कांग्रेस सीपीआईएम की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम जेजेपी एएससी की बात की जाए, बीएसपी की बात करते हैं हम, तो तमाम जितनी पार्टियां हैं सभी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। और सबसे अहम हो जाता है सुरक्षा, तो सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि किस तरीके से क्या तैयारियां हैं पोलिंग बूथ पर। तो कुल करीब 30,632 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव के दौरान करीब 3,740 पोलिंग बूथों की
जहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हें कहते तो क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया, उनमें ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, जहां पर सारा मिलिट्री फोर्स और एक्स्ट्रा पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी और उन पर निगरानी सीसीटीवी कैमरे से लगाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, और उसकी जो निगरानी होने वाली है वो चंडीगढ़ से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और केंद्र सुरक्षा बलों की, तो करीब 225 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसका करीब 21,000 पुलिसकर्मी, 21,000 होमगार्ड, 11,000 स्पेशल पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं। और साथ ही अगर लू की बात करते हैं तो लू में खास तौर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर बात की जाए तो करीब 13 स्पेशल कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। वहीं 211 इंटर स्टेट नाके और 13 नाके प्रदेश की सीमाओं पर लगाए गए हैं। तो पूरे हम कह सकते हैं कि सुरक्षा तैनात किए गए हैं पूरी तरीके से। और साथ ही हम समर्थकों की टेस्ट की बात करते हैं तो पोलिंग बूथ से करीब 200 मीटर के दायरे के बाहर अपने टेंट लगाने हैं और टेंट भी इस तरह नहीं, प्रशासन से पहले उसकी परमिशन लेनी है, परमिशन ले चुके हैं, उसके बाद ही लगा सकते हैं। वहां पर भी केवल एक टेबल दो चेयर लगाया जाएगा। सीमाएं तय की गई है कि इतना ही लंबा चौड़ाई हो सकता है, खाने पीने की चीज नहीं हो सकती, कोई सिने नहीं हो सकता और परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। तमाम चीजें की गई है ताकि किसी तरीके का कोई भी लूपहोल ना हो, कोई भी आयोजक तक जो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग में विघ्न डाले। तो पूरी तैयारियां की भी अब देखने वाली बात होगी कि जनता आगे क्या फैसला लेती है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकल गए वोटिंग के लिए आए। इसके लिए देखिए सेल्फी पोलिंग बूथ का भी इंतजाम किया गया है, पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट का इंतजाम किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षक हो और ज्यादा से ज्यादा निकल कर घर के बाहर वोटिंग करने के लिए आए। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है ताकि महिलाएं भी घर से बाहर निकल कर वोटिंग दें, जिसके लिए पिंक बूथ का इंतजाम किया गया है। तो बिल्कुल कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रोसेसिंग बढ़े, जिसके जो जितने भी लोग हैं वो वोटिंग अपनी अवेल करें, वोटिंग राइट्स को अवेल करें और वोट करने के लिए। देखिए जिस तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री मायावती से भी बात करते हैं तो उनके द्वारा भी हालांकि कल अपील की गई थी हरियाणा की जनता से कि चाहे किसे भी वोट करें मगर वो बाहर आए वोट करें, उनका राइट को अवेल किए। तो लगातार सभी बातचीत में ज्यादा इस नाम की कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर शाम 6 बजे तक किसकी खाते में क्या चीजें जाती है। हालांकि रिजल्ट 8 तारीख को आने वाला है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती है और अगले 5 साल तक हरियाणा में प्रदेश में किसकी क्या राज रहता है, क्या चीजें रहती है और क्या समीकरण बैठता है प्रदेश का। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि लगातार हम नजर भी बनाए हुए हैं और एक एक अपडेट भी तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और करीब 1 घंटे बाद देखिए वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अपराजिता, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने भी देखा तमाम जितनी भी पार्टियां हैं लगातार चुनावी मैदान में उतरी, लोगों के बीच में गई, जनसभाएं की गई, वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अब बारी है जनता की, जनता सही फैसला करेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जनता का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का मिलने वाला है। अब बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि तमाम पार्टियां कैंपेनिंग में जुटी हुई थी, जब से तारीखों का अनाउंसमेंट किया गया था तभी से सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी थी और एक हम कह सकते हैं कि तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जैसे ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। भारतीय जनता पार्टी हो जाए, कांग्रेस हो जाए, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, तमाम जितने भी दिग्गज नेता है हर पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मायावती, तमाम अरविंद केजरीवाल, तमाम सीनियर लीडर्स हरियाणा की मैदान पर उतरे थे, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आए थे। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपील अब कितने जो जनता है वो किसकी अपील सुनती है, क्या भारतीय जनता पार्टी की अपील सुनेगी जिसमें कहा जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं कमल किशन को देखे, इस तरह की चीजें कही जा रही है। कांग्रेस लगातार दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार भारतीय साफ हो जाएगी, जिस तरीके से लोग हुई है इस बार साफ हो जाएगी, इस तरह की चीजें करती हुई नजर आ रही है। इस बार लोगों ने मूड बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है, क्या कुछ चीजें रहती है। तो इसका इंतजार रहेगा, 11 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं मगर आज जनता फैसला लेने वाली है कि किसने जो काम किया है, किसने क्या काम किए हैं,
क्या उनका ताका रहा है अपने काम के बिना पे यहाँ पर आज जनता फैसला लेगी, तो देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि काफी कम समय अब रह रहा है, एक घंटे से भी कम समय रह रहा है जब जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए आपने सही कहा क्योंकि तमाम पार्टियां जो है लगातार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, और जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं कि कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और कि भारतीय जनता पार्टी जो है 8 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और इधर बीजेपी भी तीसरी बार सरकार बनाने का पूरा पूरा जो प्रयास है वो लगातार कर रही थी, लेकिन अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दोनों ही दल काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अब फैसला जो है वो जनता ही करने वाली है क्योंकि 8 अक्टूबर को जब तस्वीर क्लियर होगी उस वक्त जनता पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आज इस तरह से वोटिंग होनी है तो क्या माना जाए कि किसके खाते में क्या चीजें रहने वाली हैं, किसके जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो किसको लेकर यहाँ पर जनता दिखाने वाली है। बिल्कुल देखिए, सभी पार्टियां तो बिल्कुल जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वापस से डबल इंजन सरकार बनाने का दावा किया है, कांग्रेस दावा करती हुई नजर आ रही है, मगर आखिरी फैसला यहां पर जनता करती हुई नजर आएगी। रैलियां तो की गई है सभी दिग्गज नेताओं के द्वारा, यहाँ पर रैलियां की गई है सभी पार्टियों के द्वारा, सीनियर लीडर्स के द्वारा किया गया है, मगर आखिरी फैसला जनता लेगी कि किसके काम पर वो खुश है और किसकी सरकार वो चाहते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सरकार से खुश थे, क्या उनके कामकाज से खुश थे, या फिर बदलाव चाहते हैं, या फिर बरकरार रखना चाहते हैं, ये तमाम चीजें अब जनता पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर 8 तारीख को क्या फैसला होती है, क्या पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को मिल पाएगी। किस तरीके से कांग्रेस लगातार दावा करती आई थी, हालांकि 70 से ऊपर का दावा कांग्रेस की स्थिर कमेटी के सदस्यों की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो 70 से ऊपर के आंकड़े तो दिखाए जा रहे थे, मगर साफ तस्वीर कहीं ना कहीं वोटिंग के प्रक्रिया के दरमियान या उसके बाद नजर आएगी कि 70 के आंकड़े के आस पास भी है या काफी पीछे है, ये खुद में देखने वाली बात हो गया। हालांकि कॉन्फिडेंस काफी नजर आया था। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी इस तरह से आंकड़ा कहते वो कहीं ना कहीं नजर आए थे, तो देखने वाली बात होगी कि एक हम कह सकते हैं कि एक चेक नजर आता हुआ नजर आएगा आज जब वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, तो जो भी आंकड़े हैं कहाँ तक वो स्टैन करते हो खुद में देखने वाली बात होगी। तो तैयारियां सभी पार्टी के द्वारा पूरी की गई है, अब आखिरी फैसला जनता करेगी। देखने वाली बात होगी कि किसके तरफ किसकी नीतियों की तरफ जनता यहाँ पर देखने को मिलती है, किसकी तरफ उनका रुझान होता है, क्योंकि अगर रैलियों की हम बात करते हैं तो रैलियों में तमाम पार्टियों के जितने दिग्गज नेता आए थे तो जन सैलाब उभरा था, चाहे राहुल गांधियों की रैली की बात की जाए, कांग्रेस की रैली की हम बात करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह की रैली की बात करते हैं, तो जन सैलाब उभरा था। अब देखने वाली बात होंगी कि जन सैलाब जब उभरा था तो क्या सपोर्ट भी उनके साथ रहेगा या केवल लोग सुनने आए थे, तो और चीज क्या थी, तो खुद में इंतजार है, कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी और जनता फैसला लेगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए जनता तो फैसला ले ही क्योंकि तस्वीर जो है वो 8 अक्टूबर को ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आज जिस तरह से आप भी जानती हैं कि करीब एक घंटे बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अपराजिता यहां पर बात की जाए तो हरियाणा में कई ऐसी हॉट सीट हैं जहां पर जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा भी नजर आ रहा है, चाहे उसमें लाडवा हॉकी जो सीट है, गढ़ी सांपला किलोई है, जुलाना है, ऐसी कई सीटें हैं, अंबाला है, तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर मुकाबला जो है वो कड़ा नजर आ रहा है, तो उन तमाम सीटों को अगर हम देखें तो किस तरह से उन सीटों को देखा जाएगा। लाडवा की अगर मैं बात कर लूं तो मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी हैं और साथ में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मेवा सिंह, उनके बीच में कड़ा मुकाबला भी नजर आ रहा है। गढ़ी सांपला किलोई की अगर मैं बात कर लूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अगर पूरे प्रदेश भर की भी अगर हम बात करते हैं, लाडवा की बात की जाए तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी है जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लाडवा से अनाउंसमेंट करने से पहले 2-3 और जगहों पर मंथन किया जा रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी कहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, और फाइनली लाडवा को उनके लिए चुना गया, जिसमें काफी प्रकाश करते हुए भी विपक्ष नजर आए थे कि उनकी कोई सेफ सीट नजर नहीं आ रही, क्योंकि पूरे प्रदेश में उनके लिए कोई सेफ सीट नहीं, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए थे। तो पूरे प्रदेश में अब कह सकते हैं कि कांटे का टक्कर चल रहा है, चाहे हम गढ़ी सांपला की बात करें, लाडवा की बात करें, गुरुराज की बात करें, फरीदाबाद के तमाम पूरे प्रदेश भर की हम बात करते हैं तो एक कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। और साथ ही देखिए हरियाणा की अगर हम जनता की बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, तो एक साइलेंट वोटर कहा जाता है, तो स्पष्ट रूप से ये अनुमान लगाना कि आखिर किस तरफ रुझान है ये भी कहीं ना कहीं कहना मुश्किल है।
तो बिल्कुल हालांकि कुछ सीटें ऐसी है जहां पे बिल्कुल कांटे का टक्कर है, वहीं कुछ सीटें जहां पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ किसी और कैंडिडेट का पलड़ा भारी है। वहीं केवल पार्टियों के हिसाब से नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हो जाए या और भी पार्टियां हो जाए, मगर कहीं कहीं पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी जो पलड़ा है वो काफी भारी है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल कांटे के टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे लाडवा की हम बात करें या फिर और भी चीजों की हम बात करते हैं, तो काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी ठीक है, अपराजिता बने रही है हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को वो बड़ी खबर दिखा देते हैं। बड़ी जानकारी आज हरियाणा के कई बड़े दिग्गज वोट करेंगे, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के कई दिग्गज वोट करने जाएंगे, करनाल में वोट डालेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। सुबह 7 बजे प्रेमनगर स्थित मतदान केंद्र पर डालेंगे वोट, तो सुबह 7 बजे ही सीएम नायब सिंह सैनी भी वोट करेंगे। मोहनलाल बड़ोली भी अपने गांव में वोटिंग करेंगे और अपने सांघी गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट डालते हुए नजर आएंगे। परिवार समेत दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वोटिंग करेंगे। ओडल शहर में उदयभान, पलवल में वोट करेंगे करण दलाल। तो तमाम जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो वोट करते हुए नजर आएंगे। रोहतक में मनीष ग्रोवर, तो बीबी बत्रा भी वोट करेंगे। सुबह 11 बजे परिवार समेत सुरजेवाला वोट डालेंगे। आज हरियाणा के कई बड़े दिग्गज वोट करेंगे, तो आज का दिन सबसे ज्यादा अहम है। तो करनाल में वोट डालेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। और बातचीत करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, देखिए आज बहुत ज्यादा अहम दिन है, वोटिंग का दिन है। इससे पहले तमाम पार्टियां जिस तरह से चुनावी मैदान में लगातार एक्टिव नजर आई, अब बारी है जनता की और करीब 1 घंटे बाद, या यूं कहें कि अब कुछ ही समय बाकी रह गया है वोटिंग का। निश्चित रूप से साधना, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होना है, तो इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से। और निश्चित रूप से देखिए दिग्गजों ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, और साथ साथ लगातार वे लोगों से अपील कर रहे थे, चाहे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में कर रहे थे, कुछ नेता जो चुनाव मैदान में खुद उतरे हुए वे अपने लिए वोट मांग रहे थे। तो निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने जैसा बताया है कि कौन से दिग्गज कहाँ कहाँ अपने अपने क्षेत्रों में मतदान करेंगे, तो पूरे हरियाणा की यही स्थिति है। और देखिए बड़ी संख्या में चुनाव मैदान में करीब 1000 से ज्यादा जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हैं, और मतदाता जो है उनके भाग्य को ईवीएम में कैद कर देंगे और उसके बाद जो चुनाव परिणाम है वो 8 तारीख को आएगा। तो जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष रूप से तैयारियां की है, और लगातार देखिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, अर्धसैनिक बलों का पहरा लगाया गया है, और संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। तो ऐसे में सुचारू रूप से जो वोटिंग प्रक्रिया चले और मतदान शांतिपूर्ण चले, इसके लिए पुख्ता प्रबंध है। और देखने वाली बात है कि मतदान का प्रतिशत कितना रहता है, क्योंकि लगातार जो है वो चुनाव आयोग की ओर से भी और तमाम प्रत्याशियों की ओर से यही अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। एक बड़ी कोशिश जो है वो सभी की ओर से की गई है। जी साधना, बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए आपने भी देखा किस तरह से तमाम दर्शकों को हमने दिखाया, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं लगातार एक्टिव नजर आई, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, या फिर अन्य सियासी दल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, लोगों के बीच में गए, लेकिन अब बारी है जनता की। वोटर्स को साधने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, आप भी जानते हैं कि किस तरह से जनता को लुभाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया, लेकिन अब बारी है जनता की, जनता ही अब फैसला लेने वाली है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बात पर चर्चा करना कि जनता का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का देखने को मिलेगा। जी निश्चित रूप से साधना, देखिए लगातार तमाम पार्टी की ओर से कोशिश की गई थी, सब अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हमेशा ही करते हैं, चुनाव का ही यही तरीका है, और चुनाव प्रचार का युद्ध लगातार चला और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। और एक तरह से देखिए इस बार का यह चुनाव अनूठा है, क्योंकि यहाँ जो खासतौर पर कई ऐसी सीटें हैं, करीब 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ
निर्दलीय भी और जो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो अपनी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि हालांकि सीधे रूप में मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस का कई सीटों पर नजर आता है, लेकिन निर्दलीय किस प्रकार से कई क्षेत्रों में अपनी फाइट को त्रिकोणीय बनाने के लिए अपने इलाके में लगे हुए हैं, वो भी एक बड़ी बात है। और इसी को देखते हुए लगता है कि इस बार निर्दलीय भी जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और इसी पैटर्न पर चलते हुए उन्होंने अपना प्रचार युद्ध बड़ा मजबूत से चलाया, और खासतौर पर नए जो गठबंधन भी नजर आए और उस गठबंधन को लोगों का समर्थन भी कई जगह पूरी तरह से मिलता हुआ दिखाई दिया। चाहे इनेलो बसपा के गठबंधन की बात करें, उसके साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी का गठबंधन मिला, वो तीन पार्टियां मिली, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो 10 साल का लेखा जोखा था वो जनता के बीच पेश किया, कांग्रेस ने अपनी बातें रखी, और जो 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बीच किस तरह का माहौल रहा उसको रखने की कोशिश की। अब सब कुछ हो चुका है और आज देखिए करीब 2 करोड़ से ज्यादा का जो मतदाता है हरियाणा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ साथ देखिए प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और सुबह 7 बजे से लोग जो है वो अपने मतदान के लिए बूथों पर आना शुरू हो जाएंगे, और शाम 6 बजे तक जो है मतदान होगा। और सिरसा की बात करें, देखिए सिरसा जिला अलग एक तरह से महत्वपूर्ण है, और सिरसा की बात लेकर अगर शुरू करें फरीदाबाद तक, तो देखिए तमाम जो दिग्गजों का एक पूरा जो एक रास्ता बनता हुआ दिखाई देता है वो यही है कि यहाँ जो लोग खड़े हैं चुनाव मैदान में वे हरियाणा की सियासत में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर में सिरसा जिला की बात करूं तो चौधरी देवीलाल का यहाँ परिवार एक रहा है मजबूती से, और उसी पैटर्न पर चलते हुए उनकी पारिवारिक पीढ़ियां भी चुनाव मैदान में उतरी है। रानी विधानसभा की बात करें, चौधरी रंजीत सिंह ने उनका मुकाबला सीधे रूप में अपने ही रिश्ते में पोते लगने वाले अभय सिंह चौटाला के जो पुत्र हैं अर्जुन चौटाला, उनके रिश्ते में पोते लगते हुए भी चुनाव मैदान में उतरे हुए, आमने सामने की लड़ाई है। डबारी उनका गृह क्षेत्र है, वहां से देखिए जो आदित्य चौटाला है और उन्हीं के ही भतीजे की बात करें तो दिग्विजय चौटाला चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका मुकाबला भी अमित सिहाग से है। तो इस तरह का पैटर्न है, और एक नया जो गठबंधन मैंने जैसा जिक्र किया जो यहाँ लोकहित पार्टी का गठबंधन यहाँ हुआ, उसमें गोपाल कांडा यहाँ लोकहित पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और इनेलो और बसपा का उन्हें भरपूर समर्थन मिला है। तो ऐसे में एक यह भी एक खास तौर पर चर्चा में रहने वाली यह सीट जो है इस बार विधानसभा में भी रही, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो ऐसे में इसका चर्चा में होना लाजमी था। और इसी तरह से ही बात करें तो कई जो दिक्कत है वो चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि तमाम जो तरीके से मतदाताओं के बीच जाया गया है, मुद्दे उठाए गए, अब उन किन मुद्दों को कितना समर्थन मतदाता देते हैं यह देखने वाली बात रहने वाली है। जी बिल्कुल अमित।